दोस्तों, क्या आपको भी पूरा दिन थकान महसूस होती है? आपके पूरे शरीर में सारा दिन दर्द रहता है या आपको हमेशा आलस छाया रहता है? कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। आपके शरीर में आपको अलग तरीके की कमजोरी फील होती है। आपका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ता जा रहा है। आपकी आंखें कमजोर होती जा रही हैं। अगर ये सारे लक्षण आपको हैं, तो आपके शरीर में हो सकती है खून की कमी, या आपको है जोड़ों का दर्द तो भी आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। तो आज का मेरा ये नुस्खा आपके शरीर के सारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करके आपके शरीर में से खून की कमी को बिल्कुल दूर कर देगा। आपके जितना भी शरीर में जोड़ों का दर्द है वो खत्म हो जाएगा। आपके घुटनों का दर्द, मांसपेशियों की सूजन, सारी चीजें खत्म होके आपके शरीर में एक नई जान आ जाएगी। आपका चेहरा एकदम खिल जाएगा। वैसे भी हमारे देश में बहुत सारी महिलाओं के शरीर में खून की कमी होती है, जिसके बारे में वो जानती भी नहीं। वो सोचती है उनको घर के रोजाना काम करने से या ऑफिस के काम करने से थकान फील होती है, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं जो स्टडी करते हैं और उनके शरीर में खून की कमी होती है। आज का मेरा तरीका बहुत ही सस्ता है और किफायती है। आप घर बैठकर इजीली अपने शरीर में जो खून की कमी है उसको दूर कर सकते हैं और इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को इतना ही पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज ऑनेस्टी के साथ लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ना बहुत अंदर से मोटिवेट करता है, नेक्स्ट वीडियो कुछ और अच्छा बनाने का मन करता है। तो बस इसलिए आपसे लाइक की हमेशा गुजारिश करती हूँ। लाइक करिएगा, अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ शेयर करिएगा। और हाँ, जब भी बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, आज आपको मैं बताने वाली हूँ 3 ऐसे तरीके जो आपके शरीर में खून की कमी को दूर करके आपके घुटनों का दर्द, जोड़ों के दर्द और ये सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करेंगे। तो पहला तरीका है, इसके लिए आपको लेना है 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम सफेद तिल। जो अखरोट होते हैं उसमें आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे जोड़ों के दर्द को दूर करता है और हमारे शरीर में से खून की कमी को खत्म करता है। और जो उसमें सफेद तिल है वो भी यही करते हैं। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियों में सूजन है, घुटनों का बहुत पुराना दर्द है, गठिया है, उनको खत्म करके हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करते हैं। तो सफेद तिल, अखरोट आपको इजिली परचून की दुकान से मिल जाएंगे। उसके साथ आपने लेना है 100 ग्राम गुड़। यहाँ पे आपको जो गाढ़ा गुड़ होता है ना, एकदम डार्क कलर का, वो बिल्कुल देसी वाला होता है, वो आपको लेना है। अब क्या करना है, इन तीनों को हमें मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम 3 से 4 चम्मच देसी घी के ऐड करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके हाथों से इस तरीके से रोल करके इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। अब आपको इसकी एक बॉल यानी एक लड्डू जो है छोटा सा जो बना है, वो आपको दूध के साथ रोजाना खाना है, सोने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद। अगर आपका बच्चा 10 साल का है या 12 साल का है, या आपके जो माता पिता है वो 60 साल के हैं, तो उनको भी ये जरूर दीजिए, क्योंकि उनके शरीर में जो खून की कमी है, मांसपेशियों का दर्द है, थकान है, कमजोरी है, या एक चिड़चिड़ापन जो आ जाता है ना, वो सारे खून की कमी के लक्षण की वजह से होता है, वो सारी प्रॉब्लम्स उनकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको डायबिटीज है तो इसमें से आपको क्या करना है, उसमें गुड़ ऐड नहीं करना। आपने सिर्फ सफेद तिल और अखरोट में देसी घी मिलाकर भूरा बनाकर उनके लड्डू बना लेने हैं, क्योंकि गुड़ आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अदरवाइज आप इसको ले सकते हैं, और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फिर भी आप एक बार डॉक्टर से कंसर्न करके जरूर लीजिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी हमें खून की कमी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, जिससे कि हमें पूरा दिन थकान फील होती है। अब बारी आती है अपनी सेकंड रेमेडी की। सेकंड रेमेडी के लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है सूखी अंजीर। ये अंजीर आपको इजीली परचून की दुकान पे या जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं वहाँ पर मिल जाएगी। अंजीर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और साथ में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो आपके शरीर से खून की कमी को दूर करता है, आपके हड्डियों को मजबूत करता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो अगर आप भी इसका सेवन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका पुराना से पुराना जो गठिया था, जोड़ों का दर्द था, मांसपेशियों की सूजन थी, आपको थकान रहती थी, ये सारी तकलीफें आपकी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपका शरीर में बहुत अच्छे मात्रा में खून बनना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने एक अंजीर लेनी है गर्मी के मौसम में। आपको 1 ग्लास दूध में 1 अंजीर उबाल कर उसको दूध पी लेना है और अंजीर भी चबा चबा के खा लेनी है। अगर यही सर्दियां हो जाती हैं तो सर्दी के मौसम में आपको 2 अंजीर 1 ग्लास दूध में उबालनी है और उनको चबा कर खाना है और दूध भी आपने पी लेना है। अगर आपका बच्चा 18 साल से छोटा है तो आप उसको
आधा अंजीर या एक अंजीर दें, इससे ज्यादा क्वांटिटी ना दें। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप ले सकते हैं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार जरूर लीजिएगा। अब बारी आती है मेरी तीसरी रेमेडी की। तीसरी रेमेडी के लिए आपने एक ग्लास पानी लेना है और उसमें एक चम्मच आंवला जूस ऐड करके रोजाना सुबह खाली पेट बासी मुंह आपको इसको पीना है। आंवला जूस पीने से आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, आपके शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, आपका बॉडी जो है बहुत एनर्जेटिक फील करेगा। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप कोई भी एक रेमेडी ले रहे हैं तो एक महीने बाद आपको उस रेमेडी को चेंज करके दूसरी रेमेडी लेनी है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अलग तरीके की होती है। अगर हम उसको बहुत टाइम तक एक ही डाइट देते हैं तो वो असर दिखाना बंद कर देती है। तो एक महीना आप तिल वाले लड्डू ले सकते हैं, दूसरा महीना आप अंजीर ले सकते हैं और थर्ड मंथ आप दोबारा आंवला जूस लेके दोबारा से आप रोटेशन इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमेशा अपनी लाइफ में रोटेशन रखें, आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट भी दिखेगा और चीजों का असर आपके ऊपर बहुत अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, आपको इसमें से कौन सा वाला रेमेडी आपने ट्राई करा, आपके ऊपर क्या रिजल्ट रहा, अपना बेहतरीन कमेंट मुझसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए हमेशा कुछ बेहतर लाऊंगी और आपकी जिंदगी को और खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।